सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल अमनदीप गिल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं और मेरा भाई टाटा एक्सा के मिसिंग फीचर्स बताने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आजकल की गाड़ियों में जो नई नई गाड़ी आ रही हैं, पुश बटन ऑन एंड ऑफ बहुत जरूरी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मारुति ब्रेजा में भी अभी ऑन इंजन ऑन ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है, पर टाटा हेक्सा, टाटा की सबसे बड़ी गाड़ी तो अभी हेक्सा ही है मार्केट में, पर उन्होंने भी ये गाड़ी में मिसिंग पुश बटन ऑन एंड ऑफ की सर्विस नहीं दी है। आपको की से ही गाड़ी ऑन करनी पड़ती है और की से ही गाड़ी ऑफ करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा मेरे को जो डिसएडवांटेज लगा है मेरी टाटा हेक्सा में। और हम गौर करते हैं तो हम ये स्क्रीन के ऊपर गौर करते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में एक 6 इंच मल्टीमीडिया डिस्प्ले बहुत ही छोटा लगता है, खासकर जब भी आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड इतना बड़ा हो और आपकी पूरा फोकस आपकी स्क्रीन पर होता है। काफ़ी छोटा है स्क्रीन, टाटा मोटर्स ये जो स्पेस है इसको यूटिलाइज कर सकती थी, पर उन्होंने इधर थोड़ी मार खा ली। जाते हैं अभी स्टोरेज के लिए। तो मुझे टाटा ने ये मेरे को फाइल दी थी, ये मेरी स्वागत किट है। और जैसे कि काफ़ी इंडियन की आदत होती है कि अपना ये जो फाइल है इंपॉर्टेंट, इसमें मेरी सब आरसी बुक है, इंश्योरेंस पेपर है, तो हम इसे यहाँ रखते हैं। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि स्टोरेज स्पेस कितनी कम है और इसमें ये फाइल आ रही नहीं है, तो ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि ये जो स्पेस स्टोरेज स्पेस है बहुत ही कम है दिया है टाटा ने। बात करते हैं टाटा, आपको कोई भी टाटा हेक्सा के मॉडल में, चाहे आप टॉप मॉडल लीजिए, चाहे आप ऑटोमेटिक वाला मॉडल लीजिए, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक, पर आपको सनरूफ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा 96,000 पे करने पड़ते हैं वो भी सनरूफ लगाने के लिए। तो ये मेरे को काफ़ी एक बड़ा डिसएडवांटेज लगा। इतनी स्पोर्टी लुक होने के बावजूद भी टाटा ने अपने टॉप मॉडल में सनरूफ देना चाहिए था, पर आप देख सकते हो कि सनरूफ मिसिंग है। तो ये एक पॉइंट है जिधर टाटा ने थोड़ी सी अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा पीछे रह गया। जैसे कि हम ट्रैवल करते टाइम अपना मोबाइल तो हम हमारे साथ में रखते हैं, तो मोबाइल रखने के लिए जो स्पेस है वो मोबाइल नहीं रख सकते ट्रैवलिंग के टाइम। जैसे ही गाड़ी मूव होगी तो ये मोबाइल गिरने का चांस है, और मेरे साथ काफ़ी बार ये हो चुका है कि मैंने मोबाइल इस पोर्शन में भी रखा था तो भी मोबाइल मेरा शार्प टर्न्स पे मोबाइल नीचे गिर गया है। तो ये एक डिसएडवांटेज है, आपको मोबाइल रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। बेशक यहाँ थोड़ी सी जगह दी गई है टाटा मोटर्स की तरफ से हेक्सा में, पर इसमें आप अपना मोबाइल नहीं रख सकते। अगर आपको फ़ोन आ गया तो आपको पता नहीं लगेगा चलती गाड़ी में कि आपका फ़ोन, कोई आपको फ़ोन लगा रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है